पीने के पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिए है। दूध अच्छी तरह से उबाल लूँगी, उसके बाद इसमें से सीना निकाल लूँगी। इमली का रस देके आप लोग नींबू या विनेगर कोई भी चीज़ से आप लोग दूध से सीना निकाल सकते हैं। मेरे पास इमली है तो मैं इमली से सीना निकाल लूँगी। ये देखिए दूध में इमली का रस दे दिए हैं। देखिए दूध से सीना निकल चुकी है, अभी कार्टून के कपड़े में रख दूंगी 1.5 घंटे तक। ये दूध से मैंने सीना निकाल लिए हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट और ड्राई हो चुकी है। अभी सीने का पायश बनाऊंगी। ये देखिए सीने का पायश बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिए हैं, मिल्क पाउडर लिए हैं और यहाँ पे मैंने चीनी और 2 इलायची लिए हैं। यहाँ पे मैंने किशमिश, बादाम और पिस्ता लिए हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये देखिए दूध मैंने चढ़ा दी है गैस पे, अभी अच्छी तरह से दूध गाढ़ा कर लेना है। 1 लीटर से 1/2 लीटर बनाना है। ये देखिए दूध अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिए है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। देखिए पूरा गाढ़ा हो चुकी है, 1 लीटर से 1/2 लीटर हो चुकी है। ये दूध गाढ़ा हो चुकी है तो इसमें अभी वो जो मिल्क पाउडर ले लिए है, मिल्क पाउडर थोड़ी सी दूध से मिक्स कर लिए है, अभी दे दूंगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये मिल्क पाउडर से दूध अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, अभी इसमें चीनी और जो इलायची है ये दे दूँगी। दो तीन मिनट तक ऐसे ही मिक्स कर लूँगी। ये देखिए चीनी देखिए और 2-3 मिनट तक ऐसे मिक्स कर लिए हैं। देखिए दूध गाढ़ा हो चुकी है, अभी वो जो सेने है सेने दे दूँगी। सेने दे दिए हैं, अभी अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक ऐसे ही पकाऊँगी। देखिए दूध के साथ मिक्स करके सीने के साथ दूध अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक मैंने ऐसे ही पका लिए हैं। अभी इसमें किशमिश, बादाम और पिस्ता दे दूंगी। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने दे दिए हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है। और भी 4-5 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए गाइस सेने का पायस हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और बोल में निकल के आप लोगों को दिखाती हूँ। गार्निशिंग के लिए काजू, किशमिश ये सब दे दूंगी। ये देखिए गाइस आज की हमारी यम्मी सा सेने का पायस पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। आप लोग घर में ज़रूर ऐसे बना के खाएं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की सेने का पायस का रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।